हाय एवरीवन, आई एम मीतू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी सूपी नूडल्स, और ये सभी के बहुत फेवरेट होते हैं। मैंने अक्सर सुना है कि बच्चे मैगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं। ऐसा ही मेरे घर में भी कुछ है, वो भी बहुत ज़्यादा ज़िद करता है, और बेटे से भी ज़्यादा तो मेरे हस्बैंड ज़िद करते हैं मैगी बनाने के लिए। तो मंथ में मैं एक बार बना देती हूँ, अदरवाइज़ मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैगी बनाने के लिए लिए हैं मैंने 3 पैकेट मैगी, और ये आटा नूडल्स वाला मैगी है, ये मैदा वाला नहीं है। कोशिश आप भी यही कीजिएगा कि आटा वाला लीजिएगा, मैदा का तो बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। और इसके लिए लिया है मैंने बहुत सारी वेजीज़। ये लिया है मैंने गार्लिक 10 से 12 कलियाँ, ये लिया है 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसको मैंने बारीक काट लिया, ये करी पत्ता, 3 टमाटर और 3 ही मैंने ऑनियन लिए हैं जो मैंने थोड़े मोटे चंक काटे हैं, और ये लिया है मैंने कॉलीफ्लावर, गोभी, फूल गोभी जिसे बोलते हैं, इसको मैंने छोटे फ्लोरेट्स में काट लिया है। एक बॉल भर के लिया है मैंने कैबेज, और इसको काटने का तरीका मैंने अपना सैंडविच वाले रेसिपी में बताया हुआ है। इसको साफ़ करने का अलग तरीका होता है। 1/2 कप लिया है मैंने ओटी कैरेट्स एंड 1/2 ही कप लिया है मैंने फ्रोजन मटर। ये लिया है मैंने 3 पैकेट के आसपास मैगी मसाला जो इन पैकेट के अंदर ही होता है, और इनको मैंने बाहर निकाल लिया है। ये लिया है मैंने हींग, और कुछ लिया है मैंने बटर। मैं मैगी को बटर में बनाना सिखाऊंगी। देखिए मैगी तो सभी जानते हैं बनानी, बट मेरा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। ये लिया है मैंने कुछ रेगुलर मसाले, देन 1 लीटर मैंने पानी लिया था। ये लिया है मैंने कढ़ाई या पैन, आपके पास जो भी अवेलेबल हो, जैसी वो हीट हो। उसमें मैंने 1 स्पून के आसपास बटर ऐड कर दिया है, एंड जैसे ही वो हल्का सा मेल्ट होगा मैं उसमें बाकी के मसाले ऐड करूँगी। बटर मेल्ट होते ही मैंने डाला है 2-3 पिंच के आसपास इसमें हींग। हींग इसमें मस्ट है, ज़रूर डालिएगा, बिकॉज गोभी थोड़ी बादी होती है। अब मैं इसमें करी पत्ता डाल दूँगी, करी पत्ता थोड़ा सा मैं सोटे करूँगी, और अब मैं इसमें डालूँगी गार्लिक जो मैंने बारीक चॉप किया हुआ था, और गार्लिक का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है, आप ट्रस्ट मी इस तरह से बना के देखिएगा। ये डाला है मैंने अदरक कटा हुआ, मैं इनको भी हल्के से सोटे कर लूँगी। ये देखिए गाइस, इस तरह से ना मेरा थोड़ा तरीका बेशक डिफरेंट होता है, कुछ लोग बोलते हैं मुझे कि आप थोड़ा ना डिफरेंट तरीका बताते हो, तो मज़ा भी उसी में है कि आप कुछ डिफरेंट करके दिखाओ। आप इधर से उधर से देख दाख के बनाओगे उसमें क्या फ़ायदा। मैं ऐसे ही मैगी बनाती हूँ, और ये सच में मेरा खुद का क्रिएशन है। मैं 3-4 साल पहले किसी और तरीके से मैगी बनाती थी, बट मैं अब ऐसे बनाती हूँ। ये देखिए, अब मैंने इसमें टमाटोज एंड ऑनियंस भी डाल दिए हैं, और इनको मुझे बिल्कुल भी गलाना नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ मैं 40% ही पकाऊँगी, इससे ज़्यादा मुझे नहीं पकाना है। अब मैं इसमें बाकी की वेजीज़ भी ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे सूपी नूडल्स बनाना है, और साथ ही साथ वो सूप जो होता है ना उसका इसमें फ्लेवर आना चाहिए। अब मैं बाकी की वेजीज भी इसमें ऐड कर दूंगी, कॉलीफ्लावर, कैबेज, ओटी कैरेट्स एंड मटर भी इसमें ऐड करके अच्छा सा मिक्स दूंगी, और इनको अच्छा सा सोटे करूंगी। ध्यान रखिएगा मीडियम टू हाई फ्लेम रखिए, ज़्यादा ना कम रखिए। अब मैं इसमें मैगी मसाला भी ऐड कर दूंगी। अब मैं डालूंगी इसमें 1/4 स्पून के आसपास हल्दी, देन 1/2 स्पून देगी लाल मिर्च, देन 1 स्पून नमक, और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रख सकते हैं। मैंने इतना ही डाला है, इतना हमारे लिए काफ़ी है। अब मैं इसको अच्छा सा मिक्स दूंगी, और देखिए मैंने ज़्यादा मसाले इसमें ऐड नहीं किए हैं। इसमें और किसी भी मसाले की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ रेगुलर मसाले ही जाते हैं, जैसे किचन किंग मसाला, गरम मसाला, ये सब मैं ऐड नहीं करने वाली हूँ। अब मैं डालूँगी इसमें 1 लीटर के आसपास पानी, और पानी डालकर मैं इसको अच्छे से मिक्स दूँगी। ये देखिए, अब मैं इसको ढक के रख दूँगी करीबन 2-3 मिनट के लिए, और 2-3 मिनट बाद मैं इसको जब चेक करूँगी तो इसमें बॉयल बहुत अच्छा आ जाएगा। अब देखिए मैं इसको चेक करके दिखा रही हूँ, ये देखिए बॉयल आ चुका है। मुझे इतना बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, जैसे इसमें बॉयल आए इसमें आप अपनी मैगीज इसमें डाल दीजिएगा। ये देखिए, फिर अच्छा सा मिक्स दीजिएगा। देन अब इस स्टेज पे मैं डालूंगी इसमें ब्लैक पेपर, और ब्लैक पेपर इसको बहुत अच्छा फ्लेवर देती है, बिकॉज ये सूप टाइप में नूडल्स बना रही हूँ, और सूप में ब्लैक पेपर जाता ही जाता है। अब मैं इसको सिर्फ 5-6 मिनट के लिए ढककर पकाऊंगी, और ये 5-6 मिनट बाद मैं चेक करके दिखाऊंगी। ये देखिए मैगी बिल्कुल डन है, मैं इसका पूरा प्रोसेस आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, जब इसके स्प्रिंग खुल जाए ना तो समझिएगा आपकी मैगी बिल्कुल डन है। ये देखिए, कुछ लोग ना इसको बहुत ज़्यादा ना पका देते हैं तो वो बहुत मैशी सी हो जाती है, वो अच्छी नहीं लगती, और कुछ लोग इसे बहुत कच्चा रखते हैं वो भी अच्छी नहीं लगती, तो इसको ना आप मीडियम ही रखें। अब इस स्टेज पर जिन लोगों को सूपी नूडल्स पसंद है वो इस तरह से सर्विंग बाउल में डाल के खा सकते हैं, और जिन लोगों को थोड़ा ड्राई मैगी पसंद है वो इसका हाई फ्लेम करके इसका
पानी थोड़ा ड्राई करके आप वैसे भी खा सकते हैं। तो ड्राई 5 से 6 मिनट में हो जाएगी अगर आपको ड्राई मैगी पसंद है, बट हम लोग नहीं खाते हैं इस तरह की। मैं तो गाइस किसी भी तरह की मैगी नहीं खाती हूँ, ना जाने क्यों मुझे अच्छी ही नहीं लगती। मैं बहुत पहले खाया करती थी बट ना जाने क्यों पिछले 7-8 साल से मुझे इससे ना नफरत सी हो गई है। और मेरे हस्बैंड ना मुझे बहुत बोलते हैं कि तुम भी खाया करो, अच्छी होती है, सभी लोग दीवाने होते हैं मैगी के। मैंने अक्सर लोगों को देखा है मैगी का नाम सुनते ही ना वो दीवाने से हो जाते हैं, तो मुझे हंसी तो बहुत आती है कि हाय मैगी नहीं हो गई, क्या हो गया। बट जो है जैसा है सब ठीक है। और मैं बहुत सारी सब्जियों के साथ में मैगी बनाना पसंद करती हूँ जिससे कि वो हेल्दी वे में हो और बच्चों के लिए भी हानिकारक ना हो। तो चलिए अब मैं इसको सर्व करती हूँ और आप भी इस तरह से बनाने की कोशिश कीजिएगा। और ये खाने में बहुत अच्छी बनती हैं जैसा कि मेरे हस्बैंड बोलते हैं। मैं तो खाती नहीं हूँ बट हाँ हस्बैंड हमेशा बोलते हैं बहुत ही लाजवाब बनती है। और बिकॉज़ इसमें सूप का जो फ्लेवर आता है ना वो अच्छा लगने के साथ साथ ना बहुत हेल्दी भी होता है और इस तरह से बच्चों को वेजीज खाने की आदत भी हो जाती है। तो कोशिश यही कीजिएगा इस तरह से बनाने की, अदरवाइज़ डिपेंड ऑन योर चॉइस। वैसे कहते हैं कि मैगी 2 मिनट्स में बन जाती है बट ऐसा नहीं है गाइस, 10 to 15 मिनट्स में तो सब्जियां ही कट कर रेडी होती हैं। तो मैं कैसे मान लूँ कि 2 मिनट में मैगी बन जाती है, और आपने देखा भी है 10 से 12 मिनट तो लग ही जाते हैं पूरा मैगी का प्रोसेस में। आई होप आपको थोड़ा बहुत मेरा ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।